All right, in a development to a story we've been covering over the last year, the Enforcement Directorate, as we speak, is conducting raids on the premises of the Rajasthan Minister Rajendra Yadav. These raids are also underway at more than 10 locations in Jaipur. Now, we'll bring you more context. My colleague Bhavani Deora is with us right now to bring us more context on this entire story. Bhavani ji, humne abhi tak hamare darshak ko ye nahi bataya hai, but last year, IT department ne bhi 53 locations mein raids conduct kiye the isi minister pe. Aap hume aur bata sakte hain, please? देखिए, पिछले साल इन पर इनकम टैक्स की रेड हुई थी, आयकर विभाग ने की थी, और अब इस बार ईडी की रेड हो रही है. और ये एक मिड डे मील के अंदर घोटाले का आरोप है, और उसमें ये जो वेंडर थे, जो मिनिस्टर है, गृह राज्य मंत्री है राजेंद्र यादव, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काफी करीबी माने जाते हैं, और खासतौर पर जो राजस्थान जयपुर के पास में बहरोड और कोटपुतली का इलाका है, जहाँ पर इनके जो फैक्ट्री के गोडाउन है वहां पर रेड की गई है. इसके अलावा कुछ वेंडर है उन पर रेड की गई है. जयपुर के अंदर कुछ ठिकानों पर है. टोटल मिलाकर 10 ठिकानों पर इस वक्त ईडी की सर्च चल रही है. और इन पर आरोप ये है कि जो मिड डे मील के अंदर जो पैकिंग का जो मटेरियल ये सप्लाई करते हैं, उसके अंदर हायर रेट का इन पर आरोप है. जब जांच की थी, पहले भी जांच की थी, अब ये वापस रेड हुई है, ईडी की रेड हुई है. तो अब आज दिन भर रेड चल रही है. अभी मिनिस्टर की ओर से बयान नहीं आया, सरकार की ओर से किसी ने बयान नहीं दिया, लेकिन काफी इम्पोर्टेंट है. सर, आप हमें ये भी बता सकते हैं, पिछले साल जो रेड हमने इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट की तरफ से देखा, वो भी मिड डे मील के रिलेशन में ही थे. सर, उसमें कुछ मिला था क्या? उसमें ये आया था कि इन्होंने जो परचेज, इन पर 2-3 एलिगेशन लगे थे जब इनकम टैक्स की रेड हुई, तब इन्होंने कहा था कि जो इन्होंने जो मिड डे मील के लिए जो मटेरियल सप्लाई करना होता है, खासतौर बारदाना 2-3 ये मटेरियल सप्लाई करते हैं, तो उसमें ये था कि हायर रेट दी गई है. उसके लेकर जांच हुई थी कि जो एक्चुअल जो मार्केट कॉस्ट है उससे ज्यादा क्यों दी गई, बाकी उसको लेकर एक इन्वेस्टिगेशन चली थी. फिर उसके बाद में अब जो ईडी रेड कर रही है, क्योंकि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग पे करती है, तो वो जो पैसा जो इन्वेस्ट हुआ था, जो परचेज का, वो पैसा कहाँ किस जगह पर इन्वेस्ट किया गया, वो उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या था, वो देखा जा रहा है. तो अब ईडी की जांच चल रही है इसी मुद्दे पर, और इससे काफी मिस्टर इसमें गिरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तो वेंडर है जिसमें ये आरोप ये था कि जो इनसे जुड़ा हुआ पार्टनर था, उसने सरकार को ये था कि एक हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कराने को लेकर कई सारे एलिगेशन है. लेकिन तमाम जब रेड के बाद में फैक्ट आएंगे, तब सामने आएगा कि आखिर इस पूरे मामले में सेकंड बार जो रेड होती है, पहले इनकम टैक्स और ईडी, उसमें निकल करके आता. भवानी जी, इस जानकारी के लिए धन्यवाद. वी विल कंटिन्यू टू ब्रिंग यू कवरेज फ्रॉम दिस स्टोरी इन राजस्थान. रिमेंबर, द स्टेट इज हेडेड इनटू इलेक्शंस इन जस्ट अ फ्यू मंथ्स फ्रॉम नाउ.